स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल से लौट रहे मासूम बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी जान चली गई। घर के पास हुई इस घटना से सभी लोग आवक रह गए, तो परिवार में मातम का माहौल है। घटना सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के छीर गांव की है, जहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 8 वर्षीय मासूम शिवांश पटेल छुट्टी होने के बाद वाहन से राजरतन होटल हाईवे के सामने उतरा था और अपने घर वापस जा रहा था। वह थोड़े आगे ही बढ़ा था कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान ये बात भी सामने आ रही है कि उसे वाहन चालक ने रॉन्ग साइड पर उतारा था और नेशनल हाईवे पार करने के लिए अकेला छोड़ दिया। बताया गया कि पीएम के बाद बच्चे की डेड बॉडी को परिजनों द्वारा देवरी बाईपास सिविल लाइन चौराहे पर लाया गया और सड़क पर रखकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। यहां भीड़ देखकर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद वे मासूम की डेड बॉडी को अपने घर ले गए। कल बोल रहा है कल मीटिंग रखेंगे पूरे स्कूल वालों। अच्छा, सभी लोगों को बुलाया जाए। आप लोग आज यहाँ पर अपने बच्चे की डेड बॉडी लेके बैठे, क्या मांग की आप? वही स्कूल प्रशासन स्कूल कार्रवाई करवा रहे हैं। स्कूल प्रशासन से जो लापरवाही की गई है, लापरवाही हुई है, ठीक की है। क्या आश्वासन मिला इनकी ओर से पुलिस की ओर से? जो बोल रहे हैं तो कार्रवाई की जाती है, वो पूरा करेंगे जो होती है। मामला ये है कि बाईपास के पास छीर रोड पे 8 साल का बच्चा स्कूल से अपने घर आया, तो वैन से निकल के बच्चा रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में बीच रोड पे आके ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन बच्चे की डेड बॉडी को लेके अभी बैठ रहे थे धरने पे, क्या मांग थी इनकी? की मांग कार्रवाई को लेकर थी, तो जो विधिवत विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा चुकी है और कायम कर लिया गया है और ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, इस पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद जो है परिजन द्वारा सभी स्कूलों के वैन चालक और स्कूल संचालकों की मीटिंग लेकर जो है उनको बताया जाए कि बच्चे जो ड्राइवर लेके जाते हैं वैन में, उनको यथास्थान बच्चे को अपने घर के सामने ही छोड़ें, उनके परिजन के हाथ में ही सपोर्ट करें। ऐसे रोड पे छोड़ने से घटनाएं घटित हो सकती हैं, कार्रवाई की जा रही है।